हेलो डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। एयरो इंडिया शो 2021 में रशिया पेश करेगा अपने सुखोई 57, सुखोई 35 और मिग 35 जैसे फाइटर्स। अब आप अपने नाम को भारत की सैटेलाइट के साथ स्पेस में भेज सकते हैं और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। चांगधांग सेक्टर में चाइनीज व्हीकल्स के प्रवेश करने वाली रिपोर्ट को गवर्नमेंट सोर्सेस ने किया खारिज। स्कॉर्पियो क्लास सबमरीन में इक्विप करने के लिए नेवल ग्रुप तैयार है अपनी लेटेस्ट जनरेशन की F-21 टॉरपेडो के साथ। और अब ITBB करीब 7 नई बटालियंस को स्थापित करने की कर रही है तैयारी, जिसके बाद ITBB पर्सनल्स की संख्या हो जाएगी करीब 1 लाख। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को सूचित कर दें कि हमारी GK वन लाइनर्स क्विक ई मैगजीन का Volume 2 लॉन्च हो चुका है, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया गया है। और जो पहले 1000 बायर्स होंगे उन्हें ये ई मैगजीन केवल 11 रुपए में मिलेगी। तो अगर आप इस ई मैगजीन को परचेज करना चाहते हैं और वो भी केवल 11 रुपए की मिनिमम कॉस्ट के साथ, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, आप उस लिंक पर जाकर इस ई मैगजीन को बाय कर सकते हैं। बाकी हमारे इस क्विक ई मैगजीन से जुड़ी आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। आप सभी सोनी टीवी में आने वाले कौन बनेगा करोड़पति वाले शो के बारे में तो जानते होंगे। तो हुआ ये था कि अभी हाल ही में शो में एक पार्टिसिपेंट 1 करोड़ के सवाल तक पहुंच गए थे, लेकिन उन्हें वो 1 करोड़ का सवाल नहीं आता था, तो इसीलिए उन्होंने वहां पे जाके क्विट कर दिया। पर क्या आप जानते हैं कि शो में 1 करोड़ के लिए जो सवाल पूछा गया था, उस सवाल के जवाब को हमने अपनी क्विक ई मैगजीन के Volume 1 में कवर किया था। तो हाँ, कह सकते हैं कि अगर उस पार्टिसिपेंट ने हमारे इस क्विक ई मैगजीन को पढ़ा होता तो शायद आज वो करोड़पति होते। रशियन एम्बेसडर टू इंडिया निकोलाय कुतुसव की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई है कि अगले साल 3 फरवरी से यलहंका एयरफोर्स स्टेशन पर आयोजित होने वाले एयरो इंडिया शो 2021 में रशिया भी पार्टिसिपेट करने पर विचार कर रहा है। और इस एयरो इंडिया शो 2021 में रशिया की तरफ से सुखोई 57, सुखोई 35 और मिग 35 जैसे फाइटर्स के साथ KA-52, KA-226, MI-17B-5 और MI-26 हेलीकॉप्टर्स को प्रदर्शित किया जा सकता है। और इन सबके साथ इस शो में रशिया अपने S-400 और BUK मिसाइल सिस्टम को भी पेश कर सकता है। और निकोलाय कुतुसव का ये भी कहना था कि रशिया के पास जो भी है उसमें से लगभग हर एक चीज रशिया भारत के साथ शेयर करने के लिए तैयार है, ताकि भारत के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव्स के साथ साथ जो तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में मिलिट्री टेक्निकल इकोनॉमिक कॉरिडोर्स बनाए गए हैं उनके पक्ष में भी सारी स्थिति हो सके। और इसलिए भारत और रशिया के कॉपरेशन के बीच किसी भी तरह की बाधा नहीं है। और उनकी तरफ से इस बात की भी जानकारी दी गई है कि 2021 के फर्स्ट हाफ में रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत की यात्रा कर सकते हैं। अगले साल की शुरुआत में चेन्नई बेस्ड स्पेस किड्स नाम की एक कंपनी इसरो के PSLV-C51 रॉकेट से अपनी एक एक्सपेरिमेंटल कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च करेगी। और इस सैटेलाइट का नाम है सतीश धवन सैटेलाइट, जो कि केवल 30x10x10 सेंटीमीटर क्यूबॉइड साइज की है और एक खास करके स्पेस रेडिएशन को स्टडी करने के उद्देश्य के साथ लॉन्च की जाएगी। और स्पेस किड्स इंडिया की फाउंडर और CEO डॉक्टर श्रीमती केसन का कहना है कि ये उनकी कंपनी की सबसे एम्बिशियस सैटेलाइट होने के साथ साथ ऐसी पहली सैटेलाइट है जिसका अपना खुद का प्रोपल्शन सिस्टम है। और इसलिए सैटेलाइट में स्पेस में लॉन्ग रेंज टेक्नोलॉजी को टेस्ट करने की कैपेबिलिटीज भी होंगी, जो कि हमें भविष्य में कई सारी अलग अलग एप्लीकेशंस में मददगार साबित होगी। और इस सतीश धवन सैटेलाइट की जो मिशन लाइफ है वो करीब 2 साल तक होने की उम्मीद की गई है। और इस सैटेलाइट की एक खास बात ये होने वाली है कि इस सैटेलाइट के साथ हमारे और आपके जैसे कॉमन पीपल अपना नाम स्पेस में भेज सकते हैं। और इसके लिए स्पेस किड्स ने अपनी वेबसाइट में एक लिंक शेयर किया गया है। उस लिंक पर जाकर 3 जनवरी तक कोई भी अपने नाम वहां पे रजिस्टर कर सकता है। और फिर उसके बाद कंपनी सारे नामों की लिस्ट को कंपाइल करेगी और ये सारे नाम मेमोरी कार्ड में इंसर्ट करके सैटेलाइट में इंटीग्रेट किए जाएंगे। और इस तरीके से अपना नाम रजिस्टर करके आप इस सैटेलाइट के साथ अपने नाम को फ्री ऑफ कॉस्ट स्पेस में भेज सकते हैं। और आम लोगों के नाम स्पेस में भेजने का जो आइडिया है ये भले ही भारत में पहली बार हो रहा होगा, लेकिन आपको बता दें कि कई ऐसी कंट्रीज हैं जो ऑलरेडी ये काम करती हैं, जो अपने आम लोगों के नाम उनके सैटेलाइट्स पर इंसर्ट करके उन्हें स्पेस में भेजती है। और स्पेस किड्स के फाउंडर और CEO का ये भी कहना है कि इस तरीके से कॉमन पीपल के नाम स्पेस में भेजने का जो आइडिया है ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसके माध्यम से हम हर कॉमन पीपल के अंदर स्पेस साइंस के प्रति जागरूकता और जिज्ञासा पैदा कर सकते हैं। अभी हाल ही में जो चांगधांग सेक्टर में 2 चाइनीज व्हीकल्स के अवैध रूप से प्रवेश करने वाली रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें ये भी कहा गया था कि इन चाइनीज व्हीकल्स को वहां के लोकल्स ने स्पॉट किया था और फिर जिसके तुरंत बाद उन्होंने ITBP सोल्जर्स को इनकी जानकारी दी थी। और जब ITBP सोल्जर्स वहां पे आए थे तो ये चाइनीज व्हीकल्स वापस वहां से भाग गए थे।
लेकिन जब हमने इस रिपोर्ट को कवर किया था तो इसके साथ हमने आपको ये भी बताया था कि फिलहाल इस घटना के बारे में ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आई है, और इसलिए हमने ये भी कहा था कि जब तक कि ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आती है तब तक इस पर कुछ और अनुमान लगाना सही नहीं है। और जबकि इस घटना से जुड़ी एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही थी। लेकिन अब आपको बता दें कि ANI की तरफ से कुछ गवर्नमेंट सोर्सेज के हवाले से बताया गया है कि ये जो चाइनीज व्हीकल्स की चांगथांग सेक्टर में प्रवेश करने वाली वीडियो वायरल हो रही है, ये असल में पुरानी वीडियो है और वो कोई स्थानीय सिविल इशू है। और साथ ही साथ इस रिपोर्ट में गवर्नमेंट सोर्सेज के हवाले से भारतीय क्षेत्र में चीनी सैनिकों की कोई भी अवैध प्रवेश से इनकार किया गया है। और सोर्सेज का कहना है कि जो वीडियो वायरल हुई है वो असल में वहाँ का स्थानीय मुद्दा है, और ऐसा पहली बार नहीं है बल्कि ऐसा यहाँ पे कई सालों से हो रहा है। और जो वहाँ के लोकल्स हैं वो उस एरिया में टेंट्स, पैट्स और ऐसी अन्य चीजों के साथ घूमते रहते हैं, और इसी में कई बार वे बॉर्डर को भी क्रॉस कर जाते हैं। और बाकी जो ये मामला था इसे लोकल सिविल अथॉरिटीज के साथ डील किया जा रहा है और ये कहीं से भी मिलिट्री इशू नहीं है। अभी हाल ही में भारत की वन ऑफ द टॉप मोस्ट डिफेंस वेबसाइट लिवफिस डिफेंस ने नेवल ग्रुप इंडिया के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर रियर एडमिरल राहुल सरावत रिटायर्ड उनके साथ एक ऑनलाइन इंटरव्यू कंडक्ट किया था। और इस इंटरव्यू के दौरान रियर एडमिरल राहुल सरावत ने P-75 प्रोग्राम पर बात करते हुए कहा कि इस प्रोग्राम के तहत जो तीसरी सबमरीन है यानी कि INS क्रंच उसके फाइनल सी ट्रायल्स चल रहे हैं, और जबकि इस क्लास की जो आखिरी सबमरीन है यानी कि INS बख्शीर वो भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग के एडवांस स्टेजेस में है और इस सबमरीन को अगले साल लॉन्च करने के लिए शेड्यूल किया गया है। और जब इस दौरान उनसे पूछा गया कि जो हमारे स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीन्स हैं उनमें वेपनाइजेशन यानी कि उसके आर्मामेंट्स को ये हैवी वेट टॉर्पेडोज से इक्विप नहीं किया गया है तो आखिर ये प्रोसेस अभी कितनी और लंबी चलने वाली है, तो इस पर उनका कहना था कि हमने इंडियन नेवी के ऑनगोइंग टेंडर में अपने F-21 टॉर्पेडो के साथ प्रस्ताव पेश किया है जो कि फ्रेंच नेवी के लिए विकसित की गई लेटेस्ट जनरेशन की हैवी वेट टॉर्पेडो है, तो इसीलिए हमने इंडियन नेवी के लिए भी अपनी सबसे बेस्ट और लेटेस्ट टॉर्पेडो को पेश किया है। और उनके मुताबिक उनकी ये F-21 टॉर्पेडो एक बेहद ही घातक हथियार है जो कि वर्तमान समय में मौजूद अन्य टॉर्पेडोज की तुलना में कहीं ज्यादा बेहतर है। बाकी वे टेंडरिंग प्रोसेस में भारत के फैसले का इंतजार कर रहे हैं, और अगर उन्हें इसमें मौका मिलता है तो वे अपनी लेटेस्ट हैवी वेट टॉर्पेडो इंडियन सबमरीन्स के लिए पेश करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, जिसमें उन्होंने इंडियन इंडस्ट्रीज की इन्वॉल्वमेंट की बात भी करी है। और जब उनसे इंडियन नेवी के P-75I प्रोग्राम के बारे में बात की गई तो उनका कहना था कि नेवी का जो ये नया P-75I प्रोग्राम है ये पहले वाले प्रोग्राम्स की तुलना में काफी ज्यादा डिमांडिंग है, और इसलिए उनके मुताबिक फिलहाल वर्तमान समय में ऐसी कोई भी सी प्रूवन सबमरीन एग्जिस्ट नहीं करती है जो बिना नए डिजाइन और नए डेवलपमेंट फेस के इंडियन नेवी के इस P-75I प्रोग्राम की जरूरतों को पूरा कर सके। बाकी उनका ये भी कहना था कि नेवल ग्रुप हर संभव कोशिश करेगी जिससे भारत के मेक इन इंडिया पहल को मदद मिल सके, और यहां तक कि उन्होंने इंडियन नेवी के दूसरे स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ साथ भविष्य के अन्य नेवल प्लेटफॉर्म्स को सपोर्ट करने में भी दिलचस्पी दिखाई है। बाकी आप उनका ये पूरा इंटरव्यू लाइफ इज डिफेंस के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं। भारत की तरफ से वियतनाम को $100 मिलियन डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत 12 हाई स्पीड गार्ड बोट में से पहली बोट हैंडओवर कर दी गई है, और जबकि इसमें से 7 बोट्स वियतनाम में मैन्युफैक्चर की जाएंगी। इसके अलावा एक रिपोर्ट ये भी सामने आई है कि पूर्वी लद्दाख में इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ का फिलहाल कोई भी सॉल्यूशन न दिख पाने के कारण अब ITBP करीब 10,000 सोल्जर्स की करीब 7 नई बटालियंस को स्थापित करने की तैयारी कर रही है, जिसके बाद ITBP ट्रूप्स की जो स्ट्रेंथ है वो करीब 1,00,000 तक पहुंच जाएगी। और जबकि इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से मंजूरी दे दी गई है और अब इसको बस कैबिनेट से मंजूरी मिलने का इंतजार है। और बता दें कि इस बात की जानकारी इंडिया टुडे की तरफ से जारी की गई है। कल के जो हमारे टॉप 3 कमेंट्स हैं वो कुछ इस प्रकार है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही, और अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो इसे लाइक करे बिना कहीं ना जाएं। बाकी इस एपिसोड को लेकर आप अपने सजेशंस और क्वेरीज कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, और अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।